Hey WhatsApp guys, welcome back to Hogwarts Gaming. तो क्या हाल चाल है आप सभी का? So दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं इंटरनेट पर। और दोस्तों आपको ये भी बताने वाला हूँ कि PUBG जो गेम है वो इंडिया में दोबारा से कब आएगी। तो उसी के साथ दोस्तों वीडियो में मैं सीजन 15 के लीक्स भी आपको दिखा रहा हूँ, तो साथ में आप वो भी देखिए, एंजॉय करिए और साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तो उसे भी सुनते जाइए। आज के टाइम इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा PUBG के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि PUBG वापस कब आएगी, PUBG का इंडियन वर्जन आएगा या PUBG ग्लोबल वर्जन दोबारा से अनबैन होगी, हमारी जो पुरानी आईडी है जिसमें इन्वेंट्री में हमने कितना सारा सामान इकट्ठा कराया है हमें वही वाली मिलेगी या हमें दोबारा से लेवल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए आए हैं और घंटे भी दबा देना नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनबैन होने की इसकी, और बात करेंगे हम कि ग्लोबल वर्जन आएगा या इंडियन वर्जन आएगा। सो दोस्तों जब इंडिया ने बैन किया था PUBG को तो सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी कि वो Tencent के साथ लिंक थी, दोस्तों उसके साथ कुछ और भी कई क्वेश्चंस थे जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने अभी उनको रिप्लाई भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। सो दोस्तों ये टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने PUBG कॉरपोरेशन से। सो उसका जवाब देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको 3 हफ्तों का टाइम दिया है। तो इसी बीच एक आर्टिकल में दोस्तों ये सुनने में आया है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि PUBG जो कॉरपोरेशन है वो एक डेवलपर ढूंढ रही है इंडिया में, ताकि जो वो इंडिया में रहकर ही इसे पब्लिश कर सकें, ताकि सभी राइट्स जो हैं वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो यहाँ पर और उनका डाटा सेफ हो। सो दोस्तों इतना ही नहीं है, सिर्फ और भी बहुत कुछ है जो कि इन बिटवीन उनके बीच में चल रहा है जो हमें नहीं पता है। PUBG कॉरपोरेशन इंडिया को सेटिस्फाई कर देती है तो कोई ना कोई डेवलपर के साथ मिलकर ये गेम अनबैन हो जाएगी और हमें ग्लोबल वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, और वो भी हमारी पुरानी आईडी के साथ में। नहीं तो दोस्तों उनका प्लान भी यही होगा कि इंडियन वर्जन निकालना पड़ेगा उन्हें, तो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, वो इतना आसान काम नहीं है, उनको शुरू से गेम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो उसके लिए टाइम लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों इंडियन वर्जन के लिए नया सर्वर होगा, तो हमें जो नई आईडी मिलेगी हमारी जो लेवल जीरो से स्टार्ट होगी गेम। तो लास्ट शॉट में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तो PUBG कॉरपोरेशन इंडिया को सेटिस्फाई कर देती है हर तरह से और उसे नया डेवलपर मिल जाता है इंडिया में कोई ना कोई, तो दोस्तों हमारी जो गेम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने के अंदर अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगी, और वो भी हमारी पुरानी आईडी के साथ जिसमें हमने सामान इकट्ठा करा हुआ है बहुत ज़्यादा। वैसे दोस्तों ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि PUBG वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने आईपी इसका ब्लॉक नहीं करा है, तो हम अपनी गेम अभी भी असेस कर पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों ज़्यादा चांसेस ऐसे ही है कि हमें वही वाली गेम देखने के लिए मिलेगी दोबारा से, लेकिन जो भी इसका पब्लिशर होगा वो कोई ना कोई इंडिया में होगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो उनको नई गेम डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कि चाइना के लिए करी हुई है गेम फॉर पीस, तो ऐसा ही इंडियन वर्जन हो सकता है अलग से आए, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें जीरो से लेवल स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, तो आपको कैसी लगी है और सीजन 15 के लीक्स कैसे लगे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।